नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। टीम नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम अवधेश कुमार है और हम जैसे कि एडवांस सीरीज के अंदर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं। एडवांस सीरीज में हमने काफ़ी सारे जो यूनिट्स हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की वो पढ़ी हैं। इसके अलावा जो ओबीजी जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसको भी हमने पढ़ा है। अभी तक हमने ओबीजी पढ़ लिया है, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, मस्कुलोस्केलेटन, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री, आई, ईयर और कुछ पार्ट हमने न्यूट्रिशन का भी पढ़ा है। तो ये अभी तक हम कर चुके हैं। अभी तक हमारी 75 क्लास हो गई है। आज हमारी जो ये क्लास है ये 76 क्लास है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की आज हमारी ये 6 क्लास है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कम्प्लीटली न्यूमोथोरेक्स के बारे में पढ़ा रखा है। मैंने आपको बता भी रखा है कि न्यूमोथोरेक्स के अंदर किस प्रकार से मीडिया स्टीनल जो शिफ्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। तो आप पिछली क्लासेज एक बार जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने कि व्हेन ए क्लाइंट सफर्स ए कंप्लीट न्यूमोथोरेक्स। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या हो रखा है, कंप्लीट न्यूमोथोरेक्स हो रखा है। देयर इज ए डेंजर ऑफ द मीडिया स्टीनल शिफ्ट। इफ सच ए शिफ्ट अकर्स व्हाट पोटेंशियल इफेक्ट इज कॉज फॉर द कंसर्न। देखो अगर मान लो दोस्तों यहां पर अगर किसी भी कारण से न्यूमोथोरेक्स हो जाता है और जो एयर है दोस्तों वो इसके अंदर फिल हो जाती है और जो नेगेटिव जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो नेगेटिव प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिंग द लंग्स। तो जो लंग्स है दोस्तों उनको एक्सपेंड करने में जो नेगेटिव प्रेशर वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि ये जो एयर है ये प्रेशर डालेगी जिसके कारण जो जो लंग्स जो है दोस्तों क्या हो जाते हैं, आपके कोलैप्स हो जाते हैं। लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे पूरी जगह पे, ये पूरा जो स्पेस है प्लूरल स्पेस बन जाता है और पूरे स्पेस के अंदर एयर रहती है। तो इसके कारण क्या होती है दोस्तों, ये इसके कारण जो एयर जो है ना दोस्तों वो आगे की तरफ क्या करती है, प्रेशर डालती है। जो लंग्स है जो दूसरी साइड के अंदर जो नॉर्मल जो लंग्स है दोस्तों उस तरफ क्या डालती है, प्रेशर डालती है। उसके कारण भी दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर पाए जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, शिफ्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर कई सारी स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होती हैं, जैसे ट्रैकिया शिफ्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों ईसोफेगस है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, इसके अलावा हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। तो इन सब स्ट्रक्चर के ऊपर क्या पड़ता है दोस्तों, प्रेशर पड़ता है। तो ये इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि यहाँ पर मीडिया स्टीनल जो शिफ्ट है, मतलब इन सब ऑर्गन का क्या हो रहा है दोस्तों, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, स्टर्नम भी मान सकते हो। तो ये सब क्या हो रही है दोस्तों, शिफ्ट हो रही है। तो इसके कारण क्या होगा, क्या इफेक्ट हो सकता है इसके कारण, इस शिफ्टिंग के कारण क्या इफेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो आपको पता है कि इस जगह पर क्या होता है दोस्तों, आपका हार्ट होता है। तो जो हार्ट है दोस्तों वो भी क्या होता है, कंप्रेस होता है। अब देखो पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर क्या दे रखा है कि रैप्चर ऑफ द पेरिकार्डियम। रैप्चर ऑफ द पेरिकार्डियम, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता कि वो पेरिकार्डियम को क्या करेगा दोस्तों, रैप्चर कर पाएगा, ठीक है। रैप्चर जो होता है उसका जो कारण जो होता है दोस्तों पेरिकार्डियम का, वो रिब फ्रैक्चर हो सकता है या फिर ज्यादा जो रिब से अगर वो फ्रैक्चर होती है जैसे कि फ्लेल चेस्ट के नाम से जानते हैं, उसके कारण हो सकता है। तो इस कंडीशन के कारण जरूर क्या हो सकता है दोस्तों, रैप्चर ऑफ द पेरिकार्डियम हो सकता है, लेकिन न्यूमोथोरेक्स के कारण रैप्चर ऑफ द पेरिकार्डियम नहीं देखने को मिलता है। इन्फेक्शन ऑफ द सब प्लूरल लाइनिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। न्यूमोथोरेक्स का यहाँ पर डायरेक्टली इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता कि भाई मीडिया स्टीनल शिफ्ट के कारण इन्फेक्शन होगा, ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है। थर्ड दे रखा दोस्तों डिक्रीज फिलिंग ऑफ द राइट हार्ट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये जब इसको कंप्रेस करेगा, जब मीडिया स्टीनल जब शिफ्ट यहाँ पर होगा और मीडिया स्टीनल शिफ्ट के कारण यहाँ पर जब कंप्रेशन होगा, तो दोस्तों ये जो हार्ट है इसके जो चार चैम्बर्स में जो राइट साइड का जो हार्ट है दोस्तों वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। अब राइट साइड का हार्ट अगर कंप्रेस हो रहा है तो उसके अंदर जितनी ब्लड की अमाउंट, मान लो पहले इस प्रकार सा था राइट साइड हार्ट है, वो कंप्रेस होगा तो जितनी फीलिंग पहले हो रही थी क्या उतनी फीलिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो इसके कारण क्या होगा कि जो राइट हार्ट के अंदर होने वाली जो ब्लड की जो फीलिंग है वो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। फोर्थ दे रखा है इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ द अनअफेक्टेड लंग, ये बिल्कुल गलत है। जब ये इसको कंप्रेस आगे की तरफ करता है दोस्तों, तो अनअफेक्टेड जो लंग्स है, नॉर्मल जो लंग्स है, वो भी क्या होता है, कंप्रेस होता है। उसके कारण उसकी जो वॉल्यूम है दोस्तों वो क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। उसकी वॉल्यूम क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। सीधी सी बात है, नॉर्मल जो है वो आगे की तरफ एबनॉर्मल जो है वो आगे की तरफ जब नॉर्मल को कंप्रेस करेगा तो नॉर्मल की जो फीलिंग है, नॉर्मल की जो वॉल्यूम है दोस्तों वो भी क्या हो जाती है, कम देखने को मिलती है, न कि ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा कि डिक्रीज्ड फीलिंग ऑफ द राइट हार्ट देखने को मिलता है। तो लिखो न्यूमोथोरेक्स के अंदर, न्यूमोथोरेक्स के कारण, न्यूमो
मेनली 10 से न्यूमोथोरेक्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ना न्यूमोथोरेक्स के कारण अगर मीडिया स्टीनल शिफ्ट देखने को मिलता है, तो उसके कारण राइट हार्ट फीलिंग कम हो जाती है, राइट हार्ट फीलिंग कम होने का डेंजर रहता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखवा देता हूँ, डेंजर रहता है। वो वाली फीलिंग नहीं है जो आप समझ रहे हो, फीलिंग ना भरना, ठीक है, कहीं हार्ट की फीलिंग सर कम हो गई मेरी, तो मेरे भी हो रहा है कि न्यूमोथोरेक्स है, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो राइट हार्ट जो फीलिंग है वो क्या हो जाती है, कम होने का डेंजर रहता है, किसमें, मीडिया स्टीनल शिफ्ट में, जो कि न्यूमोथोरेक्स के कारण कंप्रेस होने के कारण जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, शिफ्ट होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़्यादातर है ना बस एक दो चीज़ें ही आएंगी जो हम पढ़ेंगे, एक तो आपका ट्यूबरक्लोसिस आएगा जो मैं है ना अगली जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के रिलेटेड, लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस है मैं वही करवाऊंगा आपको ट्यूबरक्लोसिस में। आपको अगर सर क्यों ट्यूबरक्लोसिस तो इतना इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, वो आप पूरा करवाओ आप हमें, तो मैं दोस्तों उसके ना एक अलग से पूरी क्लास बनाऊंगा। मैंने देखा कि मैं सोच रहा था कि मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ट्यूबरक्लोसिस करवा दूं, मतलब पूरी जैसे मैं डिजीज करवाता हूं, लेकिन बहुत टिपिकल हो जाएगा। मेरे को पता है कि कम से कम मुझे 2 से 3 घंटे की क्लास चाहिए ट्यूबरक्लोसिस के लिए अकेले के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब से जो नया जो प्रोग्राम आया है दोस्तों, ठीक है, जो एलिमिनेशन जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और सब लोग ना पुरानी चीज़ों को आज भी पढ़ रहे हैं कि कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो सब खत्म कर दी गई हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है मुझे, ठीक है, ट्रीटमेंट को चेंज कर दिया गया है, कंबाइंड थेरेपी जो ड्रग्स के अंदर है वो यूज़ की जा रही है, तो उन सब के बारे में मैं आपको एक पूरी एक अलग से क्लास लूँगा ट्यूबरक्लोसिस की, और उस ट्यूबरक्लोसिस क्लास में पूरे 100 जो टॉपिक्स है उसमें डलवा दूंगा, और जिसमें एक पूरी क्लास ट्यूबरक्लोसिस की होगी, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। तो यहाँ पर जो मैं एडवांस चीज में करवाऊंगा, उसमें अभी मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको, फिर जब डिजीज आएगी तो मैं आपको अच्छे से वहाँ पर पूरी डिटेल में उसको समझाऊंगा, है ना। तो अब ज़्यादा डिजीजेज हमारे पास बची नहीं है, ऐसे मेन जो आप एक ट्यूबरक्लोसिस बच रही है, कुछ थोड़ा सा वेंटिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे, और बाकी की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पढ़ी हुई हैं। और आज की क्लास है उसमें मैं लगभग जैसे आज क्लास में लंग कैंसर है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं दोबारा से और बताऊंगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा हमारे पास, है ना। ए चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू ए क्लाइंट, जैसे कि ये क्वेश्चन है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। चेस्ट ट्यूब है दोस्तों एक क्लाइंट के अंदर इंसर्ट की गई है, वाज स्टैब्ड इन द चेस्ट एंड इज अटैच्ड टू ए क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वही है क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, वो किसी भी क्लाइंट के अंदर लगाया गया है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में आपको समझाया हुआ है। तो विच इज एन इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट, भाई किसी भी क्लाइंट के अंदर जब आप चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, एक्सक्यूज मी, किसी भी क्लाइंट के अंदर अगर मान लो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है या क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों, और या फिर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, तो आपकी क्या प्रायोरिटी होगी। अभी हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि भाई क्या चीज़ पूछ रहा है, लेकिन हमें इसका मतलब सही ऑप्शन देखना है। पहला दे रखा कि ऑब्जर्व फॉर फ्लूइड फ्लक्चुएशंस इन वाटर सील चैम्बर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो वाटर सील जो चैम्बर होता है दोस्तों, उस वाटर एक तो ड्रेनेज चैम्बर होता है, एक वाटर सील चैम्बर होता है, और तीसरा जो सक्शन चैम्बर होता है। तो वाटर सील जो ड्रेनेज जो चैम्बर होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, एक तो इंटरमीटेंट बबलिंग देखने को मिलती है, और एक फ्लक्चुएशन या ओसिलेशन या टाइडलिंग, तीन नाम से जानते हैं, वो देखने को मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, तो ये हमें देखनी चाहिए नॉर्मल है, अगर ये है तो ये दिखाता है कि भाई नॉर्मल चल रहा है ये, तो अभी तक तो ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन एक क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। सेकंड रखा है ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर मोरफिन टू मिनिमाइज एजिटेशन, ठीक है, जब एंजाइटी है क्लाइंट को थोड़ा परेशान है तो उसके लिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है नए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कहीं भी क्लाइंट को एजिटेशन हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हम जो मोरफिन है ना ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, मोरफिन एक्चुअली में दोस्तों रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करवाती है, तो अगर पहले से क्लाइंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसके चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और आप उसको फिर मोरफिन दोगे तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के जो चांसेस है और बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड जगह अप्लाई ए थोरेसिक बाइंडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव टेंशन ऑन द ट्यूब, कि भाई जो ट्यूब जो लगी हुई है उनके ऊपर आपको प्रेशर लगाना है, जिसके लिए थोरेसिक बाइंडर अप्लाई करोगे तो बिल्कुल गलत है, नहीं तो हम प्रेशर लगाते हैं ट्यूब के ऊपर, और थोरेसिक बाइंडर मतलब यहाँ पर बांधने वाला जो आता है थोरेसिक, तो वो क्या करेगा दोस्तों, पहले से क्लाइंट को प्रॉब्लम है चेस्ट ट्यूब लगाई हुई है, ठीक है, तो जो एक्सपेंशन जो है ना लंग्स के एक्सपेंशन में क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, चेस्ट के जो एक्सपेंशन है दोस्तों उसमें प्रॉब्लम करेगा, इसलिए कभी भी हम थोरेसिक बाइंडर इस केस के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे।
फर्दर का क्लैंप द ट्यूबिंग सिक्योरली टू प्रिवेंट ए रैपिड डिक्लाइन इन प्रेशर, ठीक है, कि भाई प्रेशर जो है ना वो कम न हो, तो इसलिए हम ट्यूब को क्या करेंगे, क्लैंप करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ कि ज़्यादातर हम ट्यूब को क्लैंप करते ही नहीं है, क्योंकि ट्यूब को अगर आप क्लैंप करते हो ना तो टेंशन न्यूमोथोरक्स क्या कर सकती है, कोज कर सकती है। तो इसलिए हम कभी भी ट्यूब को क्या नहीं करते हैं दोस्तों, क्लैंप नहीं करते हैं। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि क्लैंप करते हैं, जो कि गलत है, आजकल हमें क्लैंप करना बंद कर दिया है बिल्कुल, तो ट्यूब को हम क्लैंप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि हम फ्लूड फ्लैक्चुएशन देखेंगे। फ्लूड जो है ना ऊपर और नीचे जाता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूड फ्लैक्चुएशन, फ्लूड ओसिलेशन या टाइडलिंग के नाम से जानते हैं। तो वो हमें ऑब्जर्व करते रहना है, वो दिखाएगा कि जो वाटर सील जो चैम्बर है, ठीक है, या चेस्ट ड्रेनेज जो सिस्टम है दोस्तों, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो लिख लो, लिखो क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम ही बोलते हैं ना इसको, वही है। मैंने पढ़ाया आपको ना, सिस्टम में, सिस्टम में वॉटर सील चैम्बर में, कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, चैम्बर भी है ना, वॉटर सील चैम्बर में फ्लूड फ्लैक्चुएशन फ्लूड फ्लैक्चुएशन या फिर ओसिलेशन भी लिखा हुआ सकता है, ओसिलेशन या टाइडलिंग ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो यह एक नॉर्मल फाइंडिंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने वो भी इसी से रिलेटेड है कि एक क्लाइंट है चेस्ट ट्यूब, एक क्लाइंट है दोस्तों उसके चेस्ट ट्यूब लगी हुई है अटैच टू ए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, और एक किससे अटैच किया गया है इसको, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से अटैच किया गया है। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट, तो नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, पहला क्लैंप द चेस्ट ट्यूब, सिंपल सी बात है, चेस्ट ट्यूब अटैच हुई है तो नर्स को क्या करना चाहिए, इतना बड़ा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि आपको समझाना पड़े। पहला है क्लैंप द चेस्ट ट्यूब व्हेन सक्शनिंग, मैंने आपको पहले बताया हुआ दोस्तों हम ट्यूब को क्लैंप नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये गलत है वैसे भी। सेकंड दोस्तों क्या देखा कि पालपेट द सराउंडिंग एरिया फॉर क्रेपिटस, ये बिल्कुल सही है, ये सही असेसमेंट है, ऐसा असेसमेंट हमेशा करना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि जहां से ट्यूब बाहर निकल रही है ना, तो उस जगह पर क्या हो सकता है, एयर लीक हो सकती है, ठीक है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं, कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर अगर जो एयर है दोस्तों वो क्या हो रही है, अंडर द स्किन एयर क्या हो रही है, लीक हो रही है ना, तो वहां पर आपको क्या होता है दोस्तों, क्रैकलिंग साउंड फील होती है, ठीक है, या फिर आपको क्या फील होता है वहां पे, क्रैकलिंग साउंड या फिर क्रेपिटस क्या होता है दोस्तों, आपको फील होता है वो लगभग सेकंड जो इंटरकोस्टल स्पेस है लगभग वहां पर ये फील होती है। तो अगर वो उसको आप हमेशा क्या करके देना चाहिए, आपको पालपेट करके देख सकते हो आप उसको, तो वो बताता है कि भाई वहां से एयर क्या हो रही है दोस्तों, लीक हो रही है। ये एक नॉर्मल फाइंडिंग नहीं, दिस इज एन एबनॉर्मल फाइंडिंग, तो ये आपको करना चाहिए, तो ये अभी तो बिल्कुल सही है। थर्ड दे रखा है चेंज द ड्रेसिंग डेली यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, देखो यहां पर ड्रेसिंग डेली चेंज नहीं की जाती है, ठीक है, अल्टरनेटिव्स कुछ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज की जाती है, जैसे कि हमें एससीपी का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डेली से क्या होता है दोस्तों, जो ड्रेनेज सिस्टम को है ना उसका ओपन होने के चांसेस रहते हैं, यहाँ से एयर के लीक होने के चांसेस रहते हैं, तो डेली ड्रेसिंग जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती इस केस के अंदर, ये ध्यान रखना आपको। एम्प्टी द ड्रेनेज चैम्बर एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, कि जब आपकी ड्यूटी खत्म हो, शिफ्ट खत्म हो, तो आप ड्रेनेज चैम्बर को क्या करो दोस्तों, एम्प्टी करो। एक्चुअली में ये जो ड्रेनेज सिस्टम आता है ना, ये पूरा क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम आता है दोस्तों, तो इसको कभी भी इसको एम्प्टी नहीं किया जाता। जैसे ये खत्म हो जाता है तो नया हम अटैच करते हैं, बिल्कुल न्यू सिस्टम हम अटैच करते हैं, क्यों, क्योंकि आप इसको एम्प्टी करोगे तो कोई भी क्लोज ड्रेनेज सिस्टम आप उसको क्या कर रहे हो दोस्तों, उसको आप ओपन कर रहे हो, तो उसको ओपन तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा कि क्लोज ड्रेनेज अगर सिस्टम है, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों, उसके अंदर हमें जो सराउंडिंग जो एरिया है जहां से ट्यूब क्या निकल रही है दोस्तों, बाहर निकल रही है, तो उसमें क्या करना चाहिए, आप उसको क्रेपिटस के लिए क्या करना चाहिए, पालपेट करना चाहिए, क्रैकलिंग साउंड के लिए क्या करना चाहिए, पालपेट करना चाहिए। तो लिख लो, देखो चेस्ट ट्यूब
सराउंडिंग एरिया को, जैसे मतलब बाहर निकल रही है वो, सराउंडिंग एरिया को, देखो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना तो अब सिंपल लग रहा होगा बिल्कुल आपको। क्रेपिटस के लिए पाल्पेट करना चाहिए, यह सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा को इंडिकेट करता है। ऑप्शन में ये नहीं आएगा तो एयर लीक आएगा ना, इंडिकेट करता है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा इसमें कि भाई कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे, तो पाल्पेशन टेक्निक का क्या करोगे दोस्तों, आप यूज करोगे इसको करने के लिए, असेस करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि भाई किस चीज के लिए असेस करना चाहिए, तो क्रैकिंग या फिर क्रेपिटस के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों आपको असेस करना चाहिए, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि किस चीज को इंडिकेट करता है, तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा को इंडिकेट करता है, अगर ये नहीं लिखाया तो एयर लीक पढ़ना, एयर लीक। चौथा क्वेश्चन आएगा कि कौन से स्पेस में देखते हैं, तो लगभग सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लगभग जहां से ट्यूब बाहर निकलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स, फॉर विच क्लाइंट इज इट मोस्ट इसेंशियल फॉर द नर्स टू इंप्लीमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एक क्लाइंट है दोस्तों, आपके सामने चार क्लाइंट हैं, आप ड्यूटी कर रहे हो, आपके सामने चार क्लाइंट, और डॉक्टर ने आपको ये कहा है, आपको जाते जाते बोल गया कि भाई आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म मत होने देना इनमें, अब आपको एक पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म मत होने देना, वो नाम नहीं बता के गया कि भाई कौन से पेशेंट के अंदर नहीं हो गया, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्क पे कौन सा क्लाइंट होगा, कौन सा क्लाइंट है दोस्तों जो सबसे ज्यादा रिस्क पे है, जिसको आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इंप्लीमेंट करनी चाहिए मेजर, कैसे क्लाइंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं देखने को मिले। तो चार क्लाइंट है, पहला क्लाइंट है दोस्तों जिसकी एज है वो 59 ईयर्स है, उसके अलावा जो क्लाइंट है दोस्तों उसका क्या हुआ हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ हुआ है। दूसरा है एक 60 साल का क्लाइंट है जिसको बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, एक 68 ईयर्स का क्लाइंट है जिसको इमरजेंसी डेंटल सर्जरी हुई हुई है, एक 76 ईयर ओल्ड क्लाइंट है दोस्तों जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की क्या है, हिस्ट्री है। तो चार क्लाइंट है आपके सामने, तो आपको बताना है कि किसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्क है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये होता है दोस्तों कि आपकी जो डीप वेन है आपकी जो डीप वेन है दोस्तों, उन वेन में से कोई भी थ्रोम्बस यहां से बाहर निकले या एम्बोलस हो, ये ऊपर की तरफ जाएगा और कहां पहुंचेगा दोस्तों, आपके राइट एट्रियम में पहुंचेगा, क्योंकि वेन है तो इन्फीरियर वेना कावा कहां लेके आएगी ब्लड को, राइट एट्रियम में लेके आएगी। राइट एट्रियम से ये जो थ्रोम्बस है दोस्तों ये कहां पहुंचा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां पहुंचेगा दोस्तों आपका, राइट वेंट्रिकल में, और वाइड राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा दोस्तों, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और इस थ्रोम्बस का पल्मोनरी आर्टरी या उसकी जो किसी भी ब्रांच के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी या उसकी ब्रांच के अंदर दोस्तों क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है, यहाँ पे फंस जाता है, डिसलोज हो जाता है। तो इसी ही कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ए थ्रोम्बस डिसलोज मतलब अपनी जगह से हटता है फ्रॉम द डीप वेन, एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम एंड एंटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी ब्रांचेज, दिस कंडीशन इज नोन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाती है। तो लिख लो, ए थ्रोम्बस डिटैच लिख लो या डिस्लोज लिख लो, डिटैच फ्रॉम डीप वेन एंड एंटर्स इनटू राइट एट्रियम एंड टू मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंड टू पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच, पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच एंड नोन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है।
इसके क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन है ना दोस्तों ध्यान रखना, इसके रिस्क फैक्टर से बनते हैं, इसके जो रिस्क फैक्टर है ना उसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना है इसका ना। जैसे कि एक इसका रिस्क फैक्टर है दोस्तों इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन जो क्लाइंट है वो अगर इमोबिलाइज रहे काफी लंबे समय तक दोस्तों, उसके कारण क्या बन जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा, और थ्रोम्बस के फिर डिस्क्लोज होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो इमोबिलाइजेशन भी इसका क्या है दोस्तों, रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा फ्रैक्चर, फ्रैक्चर की कंडीशन के अंदर क्या होगा, कोई भी मान लो जो फैट एम्बोलिज्म है दोस्तों, फैट एम्बोलस है वो बाहर निकाल सकता है, वहां से, और फिर वो क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसके भी कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है, तो फ्रैक्चर के कारण भी हो सकता है। इसके कारण इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी दोस्तों इसके जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जो कोगुलेशन फैक्टर के कारण होता है ये ऐसा ना। इसके अलावा आपका जैसे कि मैं एक सीक्वेंस में लिखाना चाहता हूं आपको, चलो वैसे लिख लो अभी, तो फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों एडवांस एज, एडवांस जो एज है वो भी इसका एक क्या होता है दोस्तों, रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा कोई भी सर्जरी, सर्जरी भी दोस्तों इसका क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है, सर्जरी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर ऑफ दिस डिजीज। इसके अलावा एस्ट्रोजन थेरेपी, एस्ट्रोजन जो थेरेपी है दोस्तों जो पेशेंट लेता है उसके अंदर भी इसके जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन जो थेरेपी जो भी पेशेंट ले रहा है दोस्तों उसके भी जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। सर्जरी के कारण भी यही होता है, भाई सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद में, एक तो सर्जरी के दौरान भी हो सकता है, या फिर सर्जरी के बाद में क्या होगा दोस्तों, जो पेशेंट है उसके अंदर इमोबिलाइजेशन ज्यादा रहेगा, और अगर जब पेशेंट के अंदर दोस्तों इमोबिलाइजेशन ज्यादा रहेगा तो उसके कारण भी इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्या है, रिस्क फैक्टर है। तो इसमें हमने पढ़ा इमोबिलाइजेशन, फ्रैक्चर्स हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, एडवांस जो एज है वो हो गया, इसके कारण सर्जरी हो गया, और एस्ट्रोजन जो थेरेपी है दोस्तों वो हो गया। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए दोस्तों, क्या हो गए इसके, रिस्क फैक्टर हो गए। फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्लाइंट है इसको क्या हुआ है, एक तो एज भी इसकी काफी है, 59 ईयर ओल्ड है, और दूसरा इसको क्या हो रहा है दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट है, तो नी रिप्लेसमेंट भी क्या होगा, एक सर्जरी हो गई, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसको चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो पहला क्लाइंट हमारे रिस्क पे है, तो अभी तक तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा दोस्तों क्या दे रखा है कि 60 ईयर ओल्ड, एक 60 साल का ओल्ड क्लाइंट है जिसको बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, तो न्यूमोनिया के कारण कभी भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, डेंटल सर्जरी नहीं करती, देखो छोटी मोटी ये वाली जो सर्जरीज है ना दोस्तों ऐसे नहीं करवाते, आप सोचो कि डेंटल सर्जरी भी करवा देगी, तो ऐसी सर्जरी के कारण नहीं होता है। ठीक है, ए 76 ईयर ओल्ड क्लाइंट हुआ हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो गया दोस्तों तो सीधी सी बात है प्लेटलेट कम हो गया, प्लेटलेट कम हो गया तो थ्रोम्बोस बनने के चांसेस तो और भी कम हो जाते हैं, तो उसके अंदर तो चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ने की जगह क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उसके कारण बढ़ने की जगह चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं, ये चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं आएगा, तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों नी रिप्लेसमेंट आएगा। तो लिख लो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर, आगे और भी पढ़ाऊंगा मैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में, अगले क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का एक रिस्क फैक्टर, सारे भी रिस्क फैक्टर लिख सकते हो आपको, मैंने जो भी लिखा रखे हैं, लेकिन यहां तो लिख लो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ले लो, चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, इसमें मैं आपको और बता दूंगा। एक इसका रिस्क फैक्टर देखो ओबेस क्लाइंट दे रखा है ना, तो ये भी होता है, ओबेसिटी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। ठीक है, उधर ही लिख लो, इसमें भी लिख लो, ये भी है, एस्ट्रोजन थेरेपी हो ही गया, एक ओबेसिटी भी होता है, ओबेसिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों क्या दे रखा है, कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट ऑन ए मेडिकल सर्जिकल यूनिट विच क्लाइंट हैज द हाईएस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वही एक सेम क्वेश्चन है भाई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के मैक्सिमम जो चांसेस है वो किस किस के अंदर होंगे, तो ये सारे इसके चांसेस हैं, इमोबिलाइजेशन है, फ्रैक्चर है, प्रेगनेंसी है, एडवांस एज है, इसके अलावा सर्जरी है, एस्ट्रोजन जो थेरेपी है, और ओबेसिटी है। ठीक है, दीज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द
पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर होता क्या है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि यहाँ से कोई भी थ्रोम्बस है वो डीप वेन में से बाहर निकलेगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी किसी ब्रांच में जाके क्या हो जाता है दोस्तों, वो डिसलोज हो जाता है वहाँ पर, मतलब लोज हो जाता है, उसका लोजमेंट हो जाता है वहाँ पर, फिक्स हो जाता है। तो उसके कारण जो भी सिम्टम्स आते हैं वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है। तो ओबेज क्लाइंट विद लेग ट्रोमा, देखो इसमें दो हैं रिस्क फैक्टर, एक रिस्क फैक्टर दोस्तों इसके अंदर ओबेज क्लाइंट है और दूसरा जो रिस्क फैक्टर वो फ्रैक्चर इंजरी, लेग ट्रोमा फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो दो रिस्क फैक्टर हो गए, तो अभी तक हमारा आंसर यही होगा। सेकंड रखा है प्रेग्नेंट क्लाइंट, बिल्कुल सही बात है, प्रेग्नेंट क्लाइंट इज ऑल्सो एट द रिस्क फैक्टर, बट एक्यूट अस्थमा इज नॉट एट रिस्क फैक्टर। क्लाइंट विद डायबिटीज हु हैज कोलेस्टेटिस, डायबिटीज के क्लाइंट को भी आप मान सकते हो कि उसको थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन कोलेस्टेटिस में बिल्कुल नहीं रहता। क्लाइंट विद न्यूमोनिया बिल्कुल नहीं होता, इम्यूनो डेफिशिएंट में भी नहीं होता। तो इसका देखो पहला जो ऑप्शन है उसमें अंदर दो दे रखे हैं, तो ओबेसिटी और जो लेग ट्रोमा है दोस्तों ये भी क्या, दोनों ही क्या इसके रिस्क फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले और चीजें पढ़ते हैं। अब दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म को तो मैंने आपको समझा ही दिया, अब इसकी डेफिनेशन को मैंने बता दिया कि डीप वेन में से कोई भी जो थ्रोम्बस है वो वहाँ से डिसलोज होता है, डिसलोज होने के बाद में राइट एट्रियम में एंटर करके राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू किसके अंदर चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के किसी ब्रांच के अंदर चला जाता है। तो इसे ही हम किस नाम जानते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर उसके बारे में हमने बात कर ली, इसके बाद इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर दोस्तों ऐसे क्लाइंट के अंदर सबसे पहले तो एप्रीहेंशन एंड रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, एप्रीहेंशन एंड रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस मतलब आगे क्या होगा इस चीज की चिंता क्या कहलाती है दोस्तों, एप्रीहेंशन कहलाती है। और साथ में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा बी फोर अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर जो क्लाइंट है उसके अंदर ब्लड टिंग्ड स्पुटम देखने को मिलता है, ब्लड टिंग्ड स्पुटम, छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं दोस्तों प्रेशर के कारण, जब आगे प्रेशर पड़ता है पल्मोनरी आर्टरी से आगे जो ब्लड है वो नहीं जा रहा तो उसे प्रेशर पड़ता है, तो वो छोटी छोटी वेसल्स क्या होती है डैमेज हो जाती हैं, उसके कारण पेशेंट के अंदर क्या है ब्लड टिंग्ड स्पुटम, यहाँ तक कि कुछ क्लाइंट के अंदर हीमोप्टाइसिस भी देखने को मिल सकता है, मतलब कफिंग के साथ में जो ब्लड है दोस्तों वो आने लग जाता है, तो हीमोप्टाइसिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सी है, सी फोर यहाँ पर क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कफिंग देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब डिसलोज होता है तो ये क्या करता है दोस्तों प्रेशर डालता है, और प्रेशर के कारण जो पेशेंट है उसको पेन फील होता है, तो क्लाइंट के अंदर चेस्ट पेन भी क्या होता है दोस्तों, फील देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो क्लाइंट है उसके अंदर क्रैकल्स साउंड भी सुनाई देती है, क्या देखा सुनाई देती है, क्रैकल्स जो साउंड है वो स्टेथोस्कोप से आप क्या कर सकते हो, लिसन कर सकते हो। डी फोर अगर हम बात करें तो दोस्तों क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, यहां पर डिजनिया देखने को मिलता है। तो चार सिम्टम आ गए, एप्रीहेंशन रेस्टलेसनेस, ए फॉर एप्रीहेंशन साथ में रेस्टलेसनेस याद रखना, बी फॉर ब्लड टिंग्ड स्पुटम हीमोप्टाइसिस याद रखना, सी फॉर कफिंग चेस्ट पेन एंड क्रैकल्स याद रखना, डी फॉर क्या देखने को मिलेगा, डिजनिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे दोस्तों सिंपल सी बात है, आप यहां पर यह समझो कि जब ये ब्लड है ये यहां पर मान लो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच में, तो ये ब्लड आगे नहीं जाएगा, लंग्स तक नहीं पहुंचेगा सही तरह से, लंग्स तक नहीं पहुंचेगा तो पल्मोनरी जो वेन है दोस्तों उसको कहां पर नहीं लेके आ पाएंगे, यहां पे नहीं लेके आ पाएंगे। ठीक है, राइट से एट्रियम, सॉरी लेफ्ट जो एट्रियम है उसमें नहीं लेके आ पाएंगे, लेफ्ट एट्रियम से किस में नहीं पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं पहुंचेगा तो किस में नहीं पहुंचेगा, अरोटा में नहीं पहुंचेगा। अरोटा में अगर ब्लड की दोस्तों कमी हो रही है तो उसके कारण जो ब्लड नहीं पहुंच रहा तो उसका प्रेशर कम होगा ब्लड का, तो उसके कारण क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा। इसके कारण क्लाइंट को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, ब्लड नहीं है ना भाई, ब्लड की कमी है ना, ठीक, ज्यादा ऐसे भी नहीं कह रहा भाई बिल्कुल बंद हो जाए क्योंकि मान लो दो ब्रांच है वहां से ब्लड जा रहा है, लेकिन कमी तो देखने को मिलेगी। उसके कारण क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ब्लड की पूर्ति करने के लिए जो हार्ट है वो अपनी हार्ट रेट बढ़ाता है, जिसके कारण क्लाइंट के अंदर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ेगी, तो इसके कारण टैकीपनिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, टैकीपनिया भी देखने को मिलेगा। डिजनिया मतलब रेस्पिरेटरी जो डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन इज नोन एज डिजनिया। तो ये सब सिम्टम्स इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा याद रख लेना। इसके बाद में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे कि भाई इसको प्रिवेंशन करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई हम एंटीकोगुलेंट का यूज करें, तो एंटीकोगुलेंट का जब हम यूज करेंगे तो हम इसके अंदर क्या देंगे दोस्तों, आईवी हीपरिन दे सकते हैं या फिर वारफेरिन यूज कर सकते हैं, आईवी या वारफेरिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम यूज कर सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी यूज कर सकते हैं हम, कि जो थ्रोम्बस है उसको तोड़ने का काम करेगा, तो थ्रोम्बोलाइटिक जो एजेंट है दोस्तों वो भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्टीप्लेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, एल्टीप्लेज। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ये,
दिस इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एल्टीप्लेज इज ए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के रूप में इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाइपोटेंशन की भी प्रॉब्लम है, तो हाइपोटेंशन को बीपी को बढ़ाने के लिए डोब्यूटामाइन का हम यूज करते हैं, डोब्यूटामाइन। कई बार अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है दोस्तों, मान लो कि थ्रोम्बस नहीं हो रहा, तो एम्बोलेक्टोमी भी कर सकते हैं, एम्बोलेक्टोमी, ठीक है। एक प्रोसीजर और यूज किया जाता है, लिखना चाहो तो लिख लेना, मोस्टली के अंदर दे रखा है ये, इम्प्लांटेशन ऑफ फिल्टर इन इंफीरियर वेना कावा। अम्ब्रेला लाइक एक फिल्टर आता है दोस्तों, उससे क्या होगा, जैसे इनफीरियर वेना कावा में लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो थ्रोम्बस है वो आगे की तरफ क्या नहीं करता दोस्तों, पहुंचता नहीं है, ठीक है। तो प्रिवेंशन में हेल्प करता है कि दोबारा से रिअकरेंस नहीं हो। तो इम्प्लांटेशन करते थे या फिल्टर लगा देंगे, मान लो ये इनफीरियर वेना कावा, इसमें फिल्टर लगा दिया, तो जो ब्लड है वो जा रहा है, वो ब्लड क्या हो जाएगा दोस्तों, उस ब्लड में से जो थ्रोम्बस है ना वो नहीं जा पाएगा। इस प्रकार का फिल्टर होता है ये, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं रोकेगा, लेकिन जो लार्ज साइज जो थ्रोम्बस है दोस्तों, उसको ये क्या कर देता है, रोक देता है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ फिल्टर इन IVC। तो ये सब इसका क्या है दोस्तों, ट्रीटमेंट, बस इतना पढ़ लो। ज़्यादा इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस दोस्तों ध्यान रखना, आपको रिस्क फैक्टर पे देना है, रिस्क फैक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख लो, ओबेसिटी एंड फ्रैक्चर, ब्रैकेट में लिख लो, लेग ट्रोमा आर द रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन ए ग्रेजुएट नर्स रिमाइंड्स ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए लेरिंजोस्कोपी नोट टू टेक एनीथिंग बाय द माउथ। एक ग्रेजुएट, दो लोग हैं, एक ग्रेजुएट नर्स है और एक उसके नीचे काम करने वाली नर्स प्रेसिपिटर है, ठीक है। ग्रेजुएट नर्स ने पेशेंट को क्या कहा कि भाई अभी आपका क्या हुआ है, लेरिंजोस्कोपी हुआ है, तो आपको अभी माउथ से कुछ नहीं लेना है, यू कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम माउथ, ऐसे मना किया उसको, आपको कुछ नहीं लेना है। उस पेशेंट अभी आया है, उसका क्या हुआ था, लेरिंजोस्कोपी हुआ था। कब तक, जब तक कि आपको कहा नहीं जाए लेने के लिए, अनटिल इंस्ट्रक्टेड टू डू सो, जब तक कि आपको कहा नहीं जाए। ये ग्रेजुएट नर्स ने कहा, किसको कहा, पेशेंट को कहा। वॉट कंक्लूजन शुड बी मेड अबाउट दिस इंटरवेंशन बाय द नर्स प्रेसिपिटर। अब नर्स जो प्रेसिपिटर है दोस्तों, इस बात से क्या अनुमान लगाए, क्या निष्कर्ष निकाले कि हु इज इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रेजुएट नर्स। सॉरी, ये तो नर्स प्रेसिपिटर तो शायद उससे भी ऊपर होगी, है ना, नर्स, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेजुएट नर्स को क्या कर रही है दोस्तों, इवैल्यूएट कर रही है। तो इवैल्यूएट करने वाला तो शायद सीनियर ही होगा ना, तो नर्स प्रेसिपिटर उसके ऊपर होगी। तो ग्रेजुएट नर्स है, एक नर्स प्रेसिपिटर है, नर्स प्रेसिपिटर देख रही कि भाई ग्रेजुएट नर्स ने जो ग्रेजुएट नर्स है ना दोस्तों, उसने क्या कहा कि भाई आपको कुछ नहीं लेना है अभी। अब उसको जो ऑब्जर्व करने वाली, उसको जो सीनियर है वो कौन है, नर्स प्रेसिपिटर है, वो उसको क्या कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस को क्या करती है, इवैल्यूएट कर रही है। तो उसको क्या लगता है कि उसने क्या कहा, ये बात सही कही या नहीं कही कि भाई जो लेरिंजोस्कोपी है उसके बाद में पेशेंट को कुछ नहीं लेना चाहिए, ये सही कहा या नहीं कहा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक्चुअली में लेरिंजोस्कोपी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लैरिंग्स है उसका क्या करते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं। और इस कंडीशन में पेशेंट को दोस्तों प्रोसीजर से पहले भी एनपीयू रखा जाता है, और प्रोसीजर के बाद में भी कुछ समय तक क्या रखा जाता है, एनपीयू रखा जाता है, जैसे कोई सर्जरी होती है ना उसी तरह। ज्यादातर हम इसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक स्प्रेज का यूज करते हैं, ताकि उसको कोई भी पेन ऊन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, जब हम उसका क्या करें, लेरिंजोस्कोपी। अब लैरिंग आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, विजुअलाइजेशन के बाद में क्या होता है दोस्तों, जो पेशेंट है उसको एनेस्थेसिया का इफेक्ट रहता है, और गैग जो रिफ्लेक्स है ना वो उसका एब्सेंट रहता है। अगर आपने उसको, अगर मान लो स्प्रे करने के बाद में या फिर प्रोसीजर के बाद में अगर आपने उसको क्या दे दिया, कुछ भी ओरली दे दिया, तो ओरली देने के बाद में जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, एस्पिरेशन का क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। अब उस एस्पिरेशन के रिस्क के लिए पेशेंट को हम प्रोसीजर के बाद भी क्या रखते हैं दोस्तों, एनपीयू रखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्या हो गई, एप्रोप्रिएट हो गई, ये बात सही कही है, उसने गलत नहीं की है, ग्रेजुएट नर्स ने बात बिल्कुल क्या कही है, सही कही है। दूसरी बात दोस्तों, ये क्यों है, क्योंकि इसके कारण पेशेंट का क्या होता है, एस्पिरेशन का चांस रहता है, इसलिए उसको रोका गया है। तो अब अपने को ऐसा ही ऑप्शन देखना है इसमें,
पहला जो ऑप्शन है दोस्तों क्या दे रखा है कि ये एक्शन क्या है, एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सच क्लाइंट्स यूजुअली एक्सपीरियंस पेनफुल स्वेलिंग फॉर द सेवरल डेज। जो स्वेलोविंग है दोस्तों वो क्या रहता है, डिस्फेजिया मतलब पेनफुल स्वेलोविंग, वो कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। रीजन ये नहीं था कि भाई पेनफुल स्वेलोविंग के कारण होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुछ दिन तक सोरनेस रहती है, स्वेलोविंग ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, कुछ सोरनेस ऑफ थ्रोट कुछ दिन तक रहता है, लेकिन स्वेलोविंग में डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलती, पहला कारण। अगर देखने को मिलती तो भी ये रीजन नहीं था एनपी रखने का। एनपी रखने का जो रीजन था वो क्या था कि पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, क्योंकि गैग रिफ्लेक्स क्या है दोस्तों, एब्सेंट है, तो दिस इज राइट, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, तो इसको आप काट दो। यहां तक तो सीख था ये, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन वो क्या करा है, एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अर्ली ईटिंग और ड्रिंकिंग आफ्टर सच ए प्रोसीजर मे कोज एस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है कि भाई इसके बाद में ड्रिंकिंग या कुछ खा लिया या पी लिया तो उस प्रोसीजर के बाद में क्या कोज कर सकता है दोस्तों, एस्पिरेशन कोज कर सकता है। दोनों सही है, अभी तक हमारा राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो यही हो जाएगा। थर्ड है क्या, इनअप्रोप्रिएट है, वैसे ही गलत हो गया। फोर्थ है इनअप्रोप्रिएट, वैसे ही गलत हो गया, इनअप्रोप्रिएट नहीं है। अब लेकिन देखो उसमें क्या क्या रहा है, अजीब सी बातें, कहते ऐसा करना गलत है, बिकॉज द क्लाइंट इज लाइकली टू बी एनेक्सियस, क्लाइंट जो है ना वो चिंतित होगा, इट इज इजी टू रिमूव द वाटर पिचर, वाटर पिचर मतलब पानी का मग, पानी का जग जो भी है उसको हटाना क्या है आसान रहता है, ऐसे क्लाइंट के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये कोई रीजन नहीं है, वो बिल्कुल बकवास रीजन है, तो ये बिल्कुल गलत है। फोर दे रखा है इनअप्रोप्रिएट है, बिकॉज द क्लाइंट इज कॉन्शियस एंड मे बी थर्स्टी आफ्टर नॉट बीइंग अलाउड टू ड्रिंक, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लाइंट बेचारा कॉन्शियस है, प्यासा हो सकता है, उसको पीने के लिए अलाउड नहीं करना गलत बात है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कोई रीजन नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है ही नहीं, है ही अप्रोप्रिएट, तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, अप्रोप्रिएट। तो लिखो लैरिंजोस्कोपी के बाद जो स्कोपी की कुछ घंटों तक क्लाइंट को एनपीओ रखा जाता है क्योंकि गैग रिफ्लेक्स के एब्सेंट होने के कारण पेशेंट में एस्पिरेशन का रिस्क रहता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो हमारे सामने है कि एक क्लाइंट है जो ब्रोंकोस्कोपी इन द एम्बुलेटरी सर्जरी यूनिट, ठीक है। एक सर्जरी यूनिट है दोस्तों, उसके अंदर क्लाइंट का क्या किया गया दोस्तों, ब्रोंकोस्कोपी किया गया, ठीक है। तो जो ट्रैकियो ब्रोंकियल जो ट्री है उसका जो विजुअलाइजेशन है दैट इज नोन एज ब्रोंकोस्कोपी। नोज या माउथ के द्वारा ट्यूब को डाला जाता है, जैसे कैमरा लगा होता है, एंडोस्कोप होता है, तो वो चीजें हम हर चीजें में क्या कर सकते हैं, जो मॉनिटर है उसके अंदर इसको विजुअलाइज करके देख सकते हैं। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू प्रिवेंट द लैरिंजियल एडिमा, भाई ऐसे क्लाइंट के अंदर लैरिंजियल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखते हैं एक बार। देखो दोस्तों ब्रोंकोस्कोपी का मतलब सिंपल सी बात है, एक लाइन में समझो, स्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन, ब्रोंक मतलब ब्रोंकस, लेकिन पूरा ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री ही आता है इसके अंदर, तो विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री इज नोन एज ब्रोंकोस्कोपी। से हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के नाम से जानते हैं। पूरा ट्रैकिया से लेकर और आगे का जो भी रास्ता है दोस्तों, उस पूरे रास्ते को आपको विजुलाइज करना है, तो इसे किस नाम जानेंगे, ब्रोंकोस्कोपी के नाम से जानते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, इसका क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है, भाई सिंपल सी बात है, क्या तो हम इसको किस लिए करेंगे दोस्तों, डायग्नोसिस पर्पज से क्यों करेंगे। जैसे मान लो आपको म्यूकस लेना हो, स्पुटम को रिमूव करना हो, या फिर दोस्तों आपको कोई सेल्स लेनी हो वहां से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या डायग्नोसिस के पर्पज से भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर थेराप्यूटिक पर्पज से भी किया जा सकता है। थेराप्यूटिक पर्पज से कैसे किया जा सकता है, जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी कोई भी बाहर से कोई चीज गई और वो अटक गई, उसको बाहर निकालने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए भी हम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो सीक्रेशंस हैं, ज्यादा सीक्रेशंस हो गए उनको रिमूव करना हो, उसके लिए भी कर सकते हैं, तो सीक्रेशंस को रिमूव करने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोनों इसके रीजन होते हैं, क्यों करते हैं, डायग्नोसिस या थेराप्यूटिक।
डायग्नोसिस करने के लिए या थेरेप्यूटिक, दोनों पर्पज से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्लाइंट को हमेशा, हमें क्लाइंट का इन्फॉर्म कंसेंट लेना है इसमें, मतलब डॉक्टर लेगा इन्फॉर्म कंसेंट उसकी प्रेजेंस में, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इन्फॉर्म कंसेंट ले लिया गया है नहीं ले लिया गया। इसके अलावा दोस्तों जो क्लाइंट है उसको सर्जरी से पहले भी हम क्या रखते हैं, एनपीओ रखते हैं, सर्जरी मतलब स्कोपी, सॉरी एनपीओ बिफोर ब्रोंकोस्कोपी। तो ब्रोंकोस्कोपी से भी पहले हम क्या रखते हैं दोस्तों क्लाइंट को, एनपीओ रखते हैं। इसके बाद में भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही जो क्लाइंट है दोस्तों उसका जब ब्रोंकोस्कोपी हो जाए, आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी, तो ब्रोंकोस्कोपी के बाद भी कुछ टाइम तक क्लाइंट को हम क्या रखेंगे, एनपीओ रखेंगे, वही मान लो गैग रिफ्लेक्स है, वो एब्सेंट रह सकता है उस कारण से। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर कुछ समय तक दोस्तों जो सोर थ्रोट है वो देखने को मिल सकता है, वो कि जो कि नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर क्लाइंट कहता है कि मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है उसको स्वेलोविंग करने में भी, तो वो भी क्या है, नॉर्मल है। तो सोर थ्रोट देखने को मिलता है तो ये क्या होगी दोस्तों, एक नॉर्मल फाइंडिंग होगी। नॉर्मल क्या होगी दोस्तों, फाइंडिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को क्या होता है कि इस दौरान है ना एडिमा, जहाँ से ट्यूब गई है उसके इंजर होने के कारण एडिमा होने के चांसेस भी क्या होते हैं, रहते हैं। तो एडिमा होने के कारण जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दिया है कि भाई क्या करना चाहिए, तो एडिमा होने की कंडीशन में दोस्तों रिस्क रहता है, इसलिए हम इस प्रोसीजर के बाद क्लाइंट को हम किस में रखते हैं, सेमी फाउलर पोजिशन में रखते हैं। ठीक है, सेमी फाउलर पोजिशन में होने के कारण क्या होगा कि जो भी सीक्रेशंस बनेंगे ना वो एक जगह क्या नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते हैं वो। ठीक है, ग्रेविटी कारण नीचे की तरफ जाते हैं तो उसे एडिमा के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना कि भाई ब्रोंकोस्कोपी के बाद अगर आपको लैरिंजियल एडिमा को रोकना है तो क्लाइंट को कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए, सेमी फाउलर पोजीशन में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए, सेमी फाउलर पोजीशन में रखना चाहिए। प्लस आइस चिप्स इन द क्लाइंट्स माउथ, मैंने कहा था कि प्रोसीजर जब हो जाए तो उसके बाद क्लाइंट को हम कुछ समय तक क्या रखते हैं, एनपीओ रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑफर लिबरल अमाउंट ऑफ फ्लूड्स, वही बात हो गई, ये भी गलत है। टेल द क्लाइंट टू सक ऑन मेडिकेटेड लोजेंजेस, जो दवाइयां हैं जिसको चूसी जाती हैं वो लोजेंजेस, उनको भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। ठीक है, तो लिख लो ब्रोंकोस्कोपी के बाद, ब्रोंकोस्कोपी के बाद क्लाइंट में लैरिंजियल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। प्रिवेंट करने के लिए सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर ए ब्रोंकोस्कोपी, अभी हमने देखा है दोस्तों ब्रोंकोस्कोपी को, मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री बिकॉज ऑफ द सस्पेक्टेड कैंसर ऑफ द लंग्स। दोस्तों सस्पेक्टेड किस चीज का है, कैंसर ऑफ द लंग है। एक क्लाइंट डेवलप्स अ प्लूरल इफ्यूजन, भाई ये कह रहा है कि कैंसर ऑफ द लंग होने के कारण क्लाइंट के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो जाता है। ठीक है, प्लूरल जो फ्लूड है दोस्तों उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसे हम प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। वो कह रहा है कि ऐसे क्लाइंट के अंदर, कैंसर ऑफ द लंग के क्लाइंट के अंदर प्लूरल जो इफ्यूजन है उसका होने का क्या कारण है, क्या रीजन है कि उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन हुआ है। पहला है एक्सेसिव फ्लूड इंटेक लिया था उसके कारण हो गया है उसके अंदर। दूसरा है इनएडिक्वेट चेस्ट एक्सपेंशन के कारण हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ द कैंसरस लीजन के कारण हुआ है, या इरिटेशन फ्रॉम द ब्रोंकोस्कोपी के कारण हुआ है। ठीक है, तो चार इसमें रीजन दे रखे हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों लंग कैंसर की। इससे पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैंने आपको टेलीग्राम पेज के ऊपर भी इसकी पूरा वो एक पेज डाला था, लेकिन आप लिख लो। क्वेश्चन आता है दोस्तों मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया, भाई इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर मेल के अंदर क्या होता है। आंसर आएगा दोस्तों ओरल कैंसर। पहले ये लंग कैंसर था, अब ये क्या हो गया है दोस्तों आपका ओरल कैंसर हो गया, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन आता है दोस्तों मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया, इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ब्रेस्ट कैंसर।
क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, कुछ नहीं दिया मेल फीमेल, आंसर जाएगा दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। क्वेश्चन आएगा दोस्तों मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन वर्ल्ड, आंसर आएगा दोस्तों वापस से ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। क्वेश्चन आएगा दोस्तों मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन वर्ल्ड, आंसर आएगा दोस्तों इसका लंग कैंसर। अब यहां पर ध्यान रखना, वर्ल्ड के अंदर अगर आप मोस्ट कॉमन कैंसर देखोगे ना मेल के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, लंग कैंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वर्ल्ड के अंदर वो कौन से देखने को मिलता है दोस्तों आपको, लंग कैंसर देखने को मिलता है। क्वेश्चन आएगा मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड, सिंपल बस इतना कि भाई वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन जो कैंसर है ना दोस्तों वो कौन सा होता है। अब इसका आंसर जाएगा दोस्तों वापस से ब्रेस्ट कैंसर, वापस से क्या जाएगा दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर जाएगा। ध्यान रखना पहले नंबर पर वर्ल्ड के अंदर ब्रेस्ट कैंसर आता है, सेकंड नंबर के ऊपर लंग्स कैंसर आता है। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर क्या आता है, लंग्स कैंसर आता है। थर्ड नंबर के ऊपर कोलोरेक्टल कैंसर आता है, थर्ड नंबर के ऊपर कोलोरेक्टल कैंसर आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आपका प्रोस्टेट कैंसर आता है, फिर स्टोमक कैंसर आता है। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं दोस्तों लंग कैंसर की। लंग कैंसर जो होता है मतलब मैलिग्नेंट ग्रोथ इन द लंग्स इज नोन एज लंग कैंसर, इतना कोई डेफिनेशन से क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो दो प्रकार का होता है दोस्तों, स्मॉल सेल लंग कैंसर, दूसरा होता है दोस्तों नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि एडिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एक होता है दोस्तों लार्ज सेल लंग कार्सिनोमा या कैंसर कार्सिनोमा, दोनों लिखा हो सकता है ना, ध्यान रखना ये कोई वो नहीं है ना। एक होता है कंबाइंड एडिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, चार प्रकार हो गया, एक एडिनोमा हो गया, एक स्क्वेमस सेल को इफेक्ट करेगा, कौन सी सेल्स को इफेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बांटा हमने, तो एडिनोमा, दूसरा है स्क्वेमस सेल, लार्ज सेल और कंबाइंड एडिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, चार प्रकार के हो गए। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक टाइप है, यहां पर इसके चार टाइप आएंगे, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर या कार्सिनोमा भी लिखा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड, मोस्ट लंग कैंसर, अब लंग्स के रिलेटेड लिखो, मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन वर्ल्ड, भाई वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन लंग कैंसर कौन सा होता है, आंसर जाएगा, आंसर होगा दोस्तों इसका एडिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन इंडिया, आंसर आएगा दोस्तों इसका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन स्मोकर्स, तो स्मोकर्स में एस आता है, तो एस फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर्स, तब इसमें ये आ गया तो इसमें एडिनोमा, दो ही याद रखने हैं बस मेन, ये दोनों ही होंगे, क्या होगा दोस्तों एडिनोमा। ठीक है, मेल फीमेल भी लिख लो। मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन फीमेल्स, तो फीमेल्स के अंदर होता है दोस्तों
एडिनोमा, फीमेल से ऐड हो जाते हैं लोग, ज़्यादा जल्दी होते हैं ना अटैचमेंट, ऐसे लिख लो याद करने के लिए। मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन मेल्स, तो मेल्स के अंदर आ जाएगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कितने सारे क्वेश्चन हो गए बताओ, एक क्लास थोड़ी होती है हमारी चीज़ें, हम जो चीज़ें पढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके, इसके अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो बस दो ही रिस्क फैक्टर याद रखना, बहुत हैं। एक तो सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, और दूसरा याद रख लेना दोस्तों एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स, बस बहुत है, ये दो याद रख लो आप तो, सिगरेट स्मोकिंग और एयर पोल्यूटेंट्स आर द रिस्क फैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। ए फॉर एनोरेक्सिया, इसके एनोरेक्सिया किसी भी क्लाइंट के अंदर होगा तो दोस्तों उसके अंदर वीकनेस होगी, और उसके साथ में क्या आएगा, उसके अंदर वेट लॉस आएगा, तो वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। बी फॉर यहाँ पर ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी, ब्रीथलेसनेस। सी फॉर यहाँ पर दोस्तों एक तो, और एक यहाँ पर है ना जो ब्रीथ साउंड है वो डिमिनिश्ड भी हो सकती है, ब्रीथ साउंड डिमिनिश्ड और एब्सेंट। ब्रीथ साउंड जो है दोस्तों क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है और क्या हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, सिंपल सी बात है। सी फॉर एक जरूर याद रख लेना दोस्तों, सी फॉर यहां पर याद रखना आप क्लैबिंग ऑफ द फिंगर, जो फिंगर्स है दोस्तों उनके अंदर क्या देखने को मिलती है, नेल्स के अंदर क्लैबिंग देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब ऐसे अंदर की तरफ से गड्ढा सा बन जाता है ना नेल्स के अंदर ऐसा, तो क्लैबिंग ऑफ द फिंगर्स देखने को मिलती है, जिसका रीजन होता है हाइपोक्सिया, क्योंकि ऐसे क्लाइंट के अंदर हाइपोक्सिया तो देखने को मिलेगा ही, तो हाइपोक्सिया के कारण दोस्तों क्लैबिंग ऑफ फिंगर भी क्या होता है, देखने को आपको मिलता है, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। डी फोर याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी फोर डिजनिया होता है, जो कि मैंने यहाँ पर ब्रीथलेसनेस लिखा दिया, फिर भी अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहो कि भाई मन है डी का, तो वहां से ब्रीथलेसनेस को मिटा दो और यहाँ पर डिजनिया लिख लो। इसके अलावा दोस्तों जो क्लाइंट है उनके अंदर होर्सीनेस ऑफ वॉइस भी देखने को मिल सकती है, होर्सीनेस ऑफ वॉइस, और कुछ क्लाइंट के अंदर हीमोप्टाइसिस भी देखने को मिल सकता है, हीमोप्टाइसिस, ठीक है। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लंग कैंसर, ये क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद में अगर दोस्तों इसका मैनेजमेंट की बात करें तो मेन हम इसका सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वैसे इसके अंदर देखो लेजर जो थेरेपी है वो यूज की जाती है, लेजर थेरेपी यूज की जाती है, कीमोथेरेपी भी यूज की जाती है, और रेडिएशन थेरेपी भी यूज की जाती है, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर कई सारी सर्जरी आती है, जैसे कि दोस्तों लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी का मतलब क्या हो गया कि दोस्तों कोई एक लोब को रिमूव करेंगे हम, ठीक है, कोई भी एक लोब को क्या करेंगे हम, रिमूव करते हैं लंग्स के, जैसे राइट के अंदर 3 हैं, लेफ्ट के अंदर 2 हैं, तो एक लोब आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो वो क्या कहलाती है, लोबेक्टोमी कहलाती है। अगर आप एंटायर लंग को करते हो, एक पूरे फेफड़े को करते हो, तो न्यूमोनेक्टोमी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, न्यूमोनेक्टोमी। या कुछ पार्टी करते हो दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं सेगमेंटल, और वेज भी बोलते हैं, वेज डिसेक्शन। एक पार्ट को अगर आप रिमूव कर रहे हो दोस्तों तो सेगमेंटल या वेज डिसेक्शन हो गया, मतलब एक पार्ट को आप क्या कर रहे हो, बाहर निकल, रिसेक्शन होगा, सॉरी रिसेक्शन बोलते हैं, रिसेक्शन, ठीक है, तो सेगमेंटल या वेज रिसेक्शन में मतलब एक जो पार्ट है उसको हम रिमूव करते हैं, तो वो सेगमेंटल या वेज रिसेक्शन। सारे के सारे चीजें दोस्तों थोड़े से कैविटी से की जाएंगी, तो थोरेकोटोमी के द्वारा की जाती है, थोरेकोटोमी, ये भी ध्यान रख लेना कि सारे प्रोसीजर किसके द्वारा किए जाते हैं, थोरेकोटोमी। तो कई बार ऐसे भी लिखा जाता है थोरेकोटोमी विद लो, थोरेक्टोमी विद लेबोक्टोमी, न्यूमोनेक्टोमी एंड सेगमेंटल वेज रिसेक्शन। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका लंग कैंसर हो गया। अब सब क्वेश्चन का तो आंसर हमने देख लिया गया इसमें, हाँ नहीं ये देखा, हाँ एक इसका कॉम्प्लिकेशन, इसका जो एक कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ज्यादातर जो लंग कैंसर जो होता है वो मेटास्टेटिक होता है, मतलब सेकेंडरी होता है, लंग्स के अंदर नहीं होता, बहुत हाईली मेटास्टेटिक साइट है ये, कहीं से दूसरी जगह से आकर के आता है, लंग कैंसर होता है। इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्यों होता है दोस्तों, कि एक्चुअली में जो जो लंग्स जो होते हैं ना दोस्तों,
वो उसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है कैंसर का, सॉरी कैंसर का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, आगे तक पहुंचता है। और जब कैंसर दोस्तों प्लूरल स्पेस तक पहुंचेगा तो वहां पर जाकर ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर देता है दोस्तों, बढ़ा देता है। अब ऑस्मोटिक जब प्रेशर मान लो ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्रीज होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर से जो फ्लूड है दोस्तों वो बाहर आएगा, तो वो प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूड है ना दोस्तों क्या हो जाता है, भर जाता है। प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूड क्या हो जाता है, भर जाता है। तो इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, क्लाइंट के अंदर प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। इसके वजह में देखो क्या है भाई, ये पूछ रहा है बस कैंसर के कारण क्यों प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है। पहला दे रखा है भाई एक्सेसिव फ्लूड इनटेक लिया है उसके कारण हुआ है, बिल्कुल गलत है। फ्लूड इनटेक लेने से कभी भी हमारी जो बॉडी है ना वो कंपनसेट करती है और यूरिन के द्वारा उस फ्लूड को बाहर निकालने क्या करती है, कोशिश करती है। ऐसे नहीं कि प्लूरल इफ्यूजन कर देगी फिर तो किसी भी आदमी ने पानी पिया और उसके प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इनएडिक्वेट चेस्ट एक्सपेंशन, ऐसा नहीं है कि भाई चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हुआ तो आपका प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, ये भी बिल्कुल क्या है, वो गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ द कैंसरस लीजन, ये बिल्कुल सही है भाई, कैंसर लीजन क्या होगा आगे की तरफ फैलेगा, फैलकर वो क्या करेगा वहां पर ऑस्मोटिक जो प्रेशर है दोस्तों उसको बढ़ाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, आपका प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है एक तरह से, ऐसे मान लो आप। तो इरिटेशन फ्रॉम द ब्रोंकोस्कोपी, मैं ऑनकोटिक नहीं बोल रहा हूँ ना, इरिटेशन फ्रॉम द ब्रोंकोस्कोपी के कारण सोरनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन ये देखने को नहीं मिलेगा आपको कि आपके अंदर क्या डेवलप हो जाए, प्लूरल इफ्यूजन ही डेवलप हो जाए, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। तो लिखो लंग कैंसर के कारण, लंग कैंसर के कॉम्प्लिकेशन के कारण, के कॉम्प्लिकेशन के कारण, कॉम्प्लिकेशन के कारण कारण क्लाइंट में प्लूरल इफ्यूजन इफ्यूजन डेवलप हो सकता है, डेवलप हो सकता है, क्योंकि क्योंकि कैंसरस लीजन का एक्सटेंशन हो जाता है, कैंसरस लीजन का एक्सटेंशन हो जाता है, मतलब आगे तक बढ़ जाता है वो, ठीक है। देखो अदर ट्रीटमेंट भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो ज्यादा फ्लूड भरा हुआ है तो आप थोड़ा सेंटेसिस कर सकते हो, ठीक है, लंग कैंसर के अंदर पैलेटिव ट्रीटमेंट के रूप में, या फिर जो क्लोज जो वाटरसील ड्रेनेज चैम्बर है चेस्ट ट्यूब डाल सकते हो आप, चेस्ट ट्यूब्स लिख लो, चेस्ट ट्यूब्स है वो डाली जा सकती है दोस्तों आपकी, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। एक प्रोसीजर भी किया जाता है प्लूरोडेसिस, मतलब इसके अंदर क्या करते हैं जो प्लूरल जो लेयर होती है जो स्पेस है उसके अंदर केमिकल एजेंट क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं, क्योंकि बार बार जो प्लूरल इफ्यूजन बढ़ रहे हैं तो उसको क्या कर देता है उस जगह पे जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है उसको क्या कर देता है अटैच कर देता है, ठीक है, उसे हम किस नाम जानते हैं प्लूरोडेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये सब प्रोसीजर भी क्या हो सकते हैं दोस्तों इसमें किए जा सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये कल करवाऊंगा मैं आपको ना यहाँ से, तो ये हमारी आज एक छोटी सी क्लास थी, ये कल करेंगे हम, थोड़ा मेरा टाइम हो रहा है कुछ, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ जो जो हमने पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है दोस्तों कि भाई कैंसर ऑफ द लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि कैंसर जो लीजन है उसका क्या हो जाता है एक्सटेंशन हो जाता है उसके कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लैरिंजियल जो एडिमा है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए ब्रोंकोस्कोपी के बाद, तो क्लाइंट को सेमी पोलर पोजिशन देनी चाहिए। एक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि भाई एक ग्रेजुएट नर्स है उसको इवाल्युएट कर रही है नर्स प्रेसिपिटर, उसने बताया ग्रेजुएट नर्स ने कि लैरिंजोस्कोपी के बाद में जो क्लाइंट उसको एनक्यू रखना है, तो क्या है ये बात सही है, क्यों, क्योंकि एस्पिरेशन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि प्लूरल जो पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म है उसके सबसे ज्यादा चांसेस किस में होते हैं, तो दो रिस्क फैक्टर है इसमें, ओबेज क्लाइंट भी दे रखा है और लेग ट्रॉमा भी दे रखा है। इसके बाद में एक जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि यही सेम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट है उसके अंदर इसके क्या रहते हैं रिस्क रहते हैं, ठीक है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम किसी के अंदर भी लगा हुआ है तो आप क्या करोगे सराउंडिंग एरिया को क्रेपिटिस के लिए क्या करोगे दोस्तों पालपेट करोगे, इसके अलावा फ्लूड फ्लक्चुएशन देखोगे वाटर सील चैम्बर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी भी पेशेंट के अंदर न्यूमोथोरेक्स के कारण मीडियास्टिनल शिफ्ट होता है तो उसके अंदर डिक्रीज्ड फीलिंग ऑफ द राइट हार्ट देखने को मिलेगी। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा।
तो अब हम एक दो क्लासेज और होंगी हमारी, फिर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करवा दूंगा। एक मैं बड़ी क्लास बनाऊंगा, वो मैं 100 इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे डालूंगा, और फिर एक दो क्लास में आपका जो पूरा जो सिस्टम है दोस्तों रेस्पिरेटरी, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में देखो दो टॉपिक हैं, एक ड्रग रिलेटेड आता है और एक इन्फेक्टियस डिजीज़ आती है। ड्रग रिलेटेड में पूरा फार्माकोलॉजी दे रखा है और इन्फेक्टियस डिजीज़ में कम्युनिटी के डिजीज़ दे रखे हैं। तो आप लोगों को मैं ये वोटिंग करवाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो, पहले भाई ड्रग रिलेटेड पढ़ना चाहते हो, या MSN की बात कर रहा हूँ मैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, इन्फेक्टियस डिजीज़ पढ़ना चाहते हो, थर्ड ऑप्शन आपके पास फंडामेंटल पढ़ना चाहते हो, फोर्थ जो ऑप्शन आपके पास में वो है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, पीडियाट्रिक्स पढ़ना चाहते हो। तो जो भी आपको लगे, ये दोनों चीज़ें हम बाद में भी पढ़ सकते हैं मेडिकल सर्जिकल के अंदर, या आप लोग कहोगे सर कंटिन्यू करो तो वही भी पढ़ा दूंगा। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखो, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल के अंदर ज़्यादातर हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, और ये मैंने आपको लगभग कंप्लीट करवा दिए। जब तक सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।